मतलब ऐसा लग रहा है कि हम समुद्र के अंदर हैं, मतलब अंदर हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनासल ब्लॉग। एंड हाय, बोलो आयत, बताओ हाय। हेलो। आज हम जा रहे हैं मेला द्वारका सेक्टर 11 में। बहुत ही अच्छा अमेजिंग मेला लगा हुआ है। हम सोचे चलो हम भी जाके वहाँ एक्सप्लोर करें, कैसा क्या लगता है, कैसे क्या है। काफी सुनी हूँ वैसे मैं, कुछ एक्वेरियम थीम में कुछ अच्छा मेला आया हुआ है बच्चों के लिए। बहुत ही ज्यादा मीन्स मस्त वाला वो है, मीन्स जगह है। देखते हैं कैसे क्या लगता है, वहाँ जाके मैं आपको सारा अपडेट करती हूँ, कैसा लगा क्या लगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी शाम के नहीं, आई थिंक रात ही हो गया, 8 बजे निकले हैं हम घर से, और देखते हैं क्या क्या हम कैप्चर कर पाते हैं वहाँ पे। और हम सब जा रहे हैं, ये हस्बैंड आयत और हम सब एक साथ जा रहे हैं। शिवराम भी है पीछे। हेलो। एंड चलिए वहाँ जाके बताती हूँ कैसा क्या लगा, फिर आपको मैं अपडेट करूँगी। तो ये जस्ट एंटर किए हम मेला के अंदर, ये एंट्री गेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 100 रुपीज़ टिकट है, एंड सैटरडे संडे इज़ 150 टिकट है। तो मैं तो बोलूँगी वीकेंड में मत जाओ, क्योंकि नॉर्मल डे वीक डे में इतना रश था, इतना भीड़ था ना, काफ़ी रश है यहाँ पे। तो वीकेंड में तो ना जाओ तो ही बेटर है। और ये मेला का नाम है बसंत एवं होली महोत्सव, ये मेला का नाम है। और काफ़ी अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगा। मेला काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। और इसका जो थीम है ना, मेन थीम है वो है अंडर वाटर फिश टनल, जो है वो मेन थीम है। एक्वेरियम बेसिकली ये फिश एक्वेरियम है, और इसी को देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। टिकट भी, और ये फर्स्ट टाइम भी ऐसा है कि मेला में टिकट लगा है। एक्चुअली ये टिकट जो है ना, वो एंट्री का नहीं है, मुझे लगता है ये फिश के लिए ही है। जो अंडर वाटर फिश टनल लगा है, इसके लिए ही ये एंट्री फी लिया जा रहा है। तो ये हमारा टिकट आ चुका है, अब हम एंटर करते हैं। ये एंटर करते वक्त हमें क्या, कितना ब्यूटीफुल सा ये अमेजिंग सा एक स्पेसिस मिला। ये देखिए, आई थिंक ये लॉबस्टर है, मीन्स प्रॉन जो होता है ना, उसी के वैरायटी में ही आता है। काफ़ी और कलरफुल था, काफ़ी अच्छा लगा। ये फिश तो देखो यार, कितना क्या प्यारा फिश है, कि कलर कितने ब्राइट कलर के हैं ये, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये ब्लैक कलर के फिश, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल डार्क ब्लैक में। इतने कलरफुल फिश थे ना कि देख के बस मन ही खुश हो रहा था। ये देखिए कलरफुल, आई थिंक ये LED फिश बोलते हैं, ऐसे नाम नहीं पता, बट मैं एक सजेस्ट करूँगी, नाम भी देना चाहिए था हर फिश का ना नाम। ये देखिए, ये तो बिल्कुल जेब्रा या जो आप बोलो, हम तो जेब्रा ही बोलते हैं, तो वैसे प्रिंट में ये फिश था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये तो बस मैं क्या ही बताऊँ, इसको देख कर ना टाइगर प्रिंट, मेरे मुँह से तो यही नाम निकला, टाइगर प्रिंट। दिख तो रहे थे वैसे ये स्नेक की तरह, बट ये फिश ही थे। और ये भी एक फ़िश है, बहुत वैरायटी है, काफ़ी मीन्स अमेजिंग है, बिल्कुल इतना वैरायटी के फ़िश है ना यहाँ पे। ये भी देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये वाइट कलर के फ़िश थे, काफ़ी यूनिक एंड मीन्स कंसेप्ट था ये, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें। बहुत सारे फ़िश थे, इतने सारे ना, छोटे बड़े हर साइज़ के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये फ़िश थे, ये हिल नहीं रहे थे, ये यहीं थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ इनको, आई थिंक वो सो रहे थे। काफ़ी बड़े बड़े साइज के थे, देखने में तो सारे स्नेक लग रहे हैं, बट ये स्नेक नहीं है, ये रियल के फिश हैं। और ये ऑरेंज कलर का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। वाओ, ये तो देख के मैं बिल्कुल शौक में आ गई, क्या है ये, इतने सारे ग्रुप फिश के एक साथ ग्रुप में आए हुए थे। और ये फिश पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे अजीब सा ही लगा, थोड़ा यूनिक लगा, ये पता नहीं खाना खा रही थी या कुछ कर रही थी, वहाँ कुछ ढूंढ रही थी। ये देखिए, यहाँ भी बहुत सारे फिश हैं टाइगर प्रिंट के, बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली एंट्री गेट में है हम, और एंटर जब आप करते हो तो ये टनल नहीं है, ये एक्चुअली वैसे ही काउंटर बनाया गया है, और ये फेस टू फेस हम ऐसे सामने देख रहे हैं मिरर में ये सारे फिश। ये देखिए, ये कितना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड वेरी क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अभी हम फिश टनल के अंदर आए नहीं हैं, अभी आगे में जो आगे आने वाले हैं, हम टनल आगे आने वाला है। अभी ये स्टार्टिंग एंट्री पैसेज जो था, उसमें ही ये सारे फिश लगे हुए थे, वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये इतने सारे फिश आए, भी देख के काफ़ी खुश हो गए। बच्चे के लिए तो बेस्ट जगह है, बच्चे को लेके तो आप ज़रूर जाओ। ओके, एंड ये देखो, ये बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था आयत को। और ये वाओ, ये देखो ऑरेंज कलर के थे,
मुझे तो एक एक बात मतलब अगर हो पाया, ये नाम सबका मुझे जानने का ना बहुत वो होता है कि कौन सा स्पेसिस है। ये देखिए हम टनल में आ चुके हैं और ये अंडर वाटर फिश टनल एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम है। कितना प्यारा लग रहा था यार, जैसे मैं एंटर की मुझे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम फिश के बीच में ही हैं, पानी के अंदर ही हैं हम, और ऐसा फील हो रहा था कि फिश को हम टच कर रहे हैं, पानी के अंदर हैं। बहुत प्यारा व्यू, बहुत अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग और यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी जाओ फैमिली को लेकर, फैमिली के साथ। 31 मार्च इज़ द लास्ट डेट। और ये देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि हमारे सर के ऊपर भी फ़िश है, साइड में भी है, इतने सारे देखो यहाँ पे फ़िश, पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पे, शायद खाना इनको मिल रहा था, ये इकट्ठा हो गए थे सारे फ़िश। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा व्यू है, ये जो व्यू है ना ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और रश भी काफ़ी ज़्यादा था, तो ये सारे यहाँ पे देखे फिश वगैरह। और ये यस, ये जो फिश था ना ये पता नहीं क्या था यार, इतने लंबे लंबे फिश थे, मतलब आप मान लो 5 फीट, 4-5 फीट के ही फिश थे, मतलब मेरे हाइट तक मैं से भी लंबे लंबे थे, ऐसा सोच लो। और ये देख के तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार, इतने बड़े बड़े फिश भी होते हैं। आई थिंक ये ईल था या क्या था, नाम नहीं पता, नाम होना चाहिए था हर फिश का कि क्या क्या नाम है, इससे क्या है ना नॉलेज मिलता है बच्चों को। और ये जो फिश था इसका मैं क्या ही बताऊँ, इतना इतने बिग साइज का ये फिश था, इसने जब मूवमेंट किया, मूवमेंट में इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतने बड़े साइज का, मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही खूबसूरत फिश था ये, काफ़ी बड़े साइज का था, बहुत ही मज़ा ही आ गया, मतलब क्या ही। बट ऐसा लग रहा है कि टच भी कर रहे थे ना, तो फीलिंग बहुत रियल वाला लग रहा था कि रियल में सच में टच कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बड़े बड़े साइज के, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया देख के। ये फिश कभी पहले देखी नहीं थी, इतने बड़े बड़े फिश। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी और शॉप भी लगे हुए थे, शॉप बहुत सारे। ये देखिए ब्रेसलेट काफ़ी 50-50 रुपीज़ के थे, काफ़ी अच्छे थे। और ये भी मैंने, ये रोलर जो मैंने देखा ये भी अच्छा लगा मुझे, ये न्यू एक्टिविटी है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, एक्टिविटी था ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सारे इसमें एक्टिविटी, इस बार के जो मेला है ना इसमें बहुत सारे एक्टिविटी आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम देखे हैं तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा है इस बार मेला है। भैया ये कितने का है? 400 का है। शेल लगी है, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी सेल लगा हुआ है, इतना भीड़ है मुझे लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ के लिए लोग भीड़ लगाए हुए हैं, लेकिन ये सेल है, 20-30 रुपये का वो ककड़ी सेट है। क्रॉकरी का यहाँ पे सेल लगा हुआ था, ये ट्रे जो था काफ़ी प्यारा लगा मुझे, 150 का। हम मेला से रिटर्न हो चुके हैं, मेला घूम चुके, और मेला में मेला इस बार का जो मेला था ना, वैसे तो काफी बार मेला गए हुए, हर साल लगता ही है, बट ये जो था मतलब मैं बताऊँ बेस्ट मेला था, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा था। और सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि कुछ न्यू चीजें इसमें ऐड हुए हैं, बहुत सारे न्यू मतलब बहुत सारे नया कुछ आया। एड्रेस बताएंगे, द्वार का एक्सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ वाले मैदान में जो रामलीला ग्राउंड है, जिसमें रामलीला होती है हर साल, उसी में लगा हुआ है।
ये द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सेक्टर 11, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा सेक्टर 10 और सेक्टर 11। सेक्टर 11 थोड़ा नियर पड़ेगा और 6-10 की जो मार्केट है उसके अपोजिट में है ये। 6-10 की मार्केट? हाँ, सेक्टर 6 और 10 की जो सेंट्रल मार्केट है ना उसके अपोजिट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ वाली खाली ग्राउंड पे है। पार्किंग फ्री है, पार्किंग फ्री है, ये फर्स्ट टाइम देखे हम कोई मेले में पार्किंग फ्री है, बट होता नहीं है जनरली। बहुत है, आप गाड़ी खड़ी करें। Thanks for watching. Hope you like the video. If you like the video, please like and subscribe my channel. And इसी तरीके से interesting video मैं आगे लेकर आऊँगी और अपडेट करूँगी. And thanks for watching once again. And bye friends. Okay, bye.